जी दोस्तों, एग्ज़ाम रेस्टू में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट नंबर 11। जी दोस्तों, न्यू कंसेप्ट के साथ। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। बेल आइकन पर हिट करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सकें। जी दोस्तों, चलते हैं। जी दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी। जी दोस्तों, और आज हम लाए हैं प्रॉफिट एंड लॉस के नए कंसेप्ट के साथ। जी दोस्तों, आइए देखते हैं आज का क्या कंसेप्ट है। वस्तु के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी होने पर वस्तु की कुछ मात्रा कम या अधिक मिलना। जी दोस्तों, वस्तु के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी होने पर वस्तु की कुछ मात्रा कम या अधिक मिलना। ये दोस्तों थोड़ा सा समझिए, जैसे मान के लिए हम लोग चीनी खरीदते हैं, चीनी हम लोग मान के लिए 40 रुपए पर महीने का हम लोग चीनी पे व्यस्त करते हैं, ठीक है, व्यय करते हैं। तो अगर हम लोग चीनी पे 40 रुपए प्रति महीने व्यय कर रहे हैं, अगर चीनी का दाम बढ़ गया और हमको सिर्फ 40 रुपए ही में काम चलाना है, अर्थात 40 रुपए ही सिर्फ खर्च करना है, अगर चीनी का दाम बढ़ जाएगा तो 40 रुपए में जो चीनी मिल रहा था कम मिलने लगेगा। और यदि चीनी का दाम कम हो गया और हम खर्च 40 ही रुपए मेंटेन रखना चाहते हैं तो क्या होगा, चीनी अधिक मिलेगा। तो यही कंसेप्ट है, जब वस्तु के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी होती है तो वस्तु की कुछ मात्रा कम मिलता है या अधिक मिलता है। जब वस्तु के मूल्य में वृद्धि होगी तो मात्रा हमको कम मिलेगा, जब वस्तु के मूल्य में कमी होगी तो हमको वस्तु की मात्रा अधिक मिलेगा। तो इसी कंसेप्ट पे आज चर्चा होगी। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, चावल का दाम 25% बढ़ गया, चावल का दाम 25% बढ़ गया जिससे 400 रुपए में 10 केजी कम चावल मिलता है। तो चावल का नया भाव ज्ञात कीजिए। ये दोस्तों हमने बताया पहले ही कंसेप्ट में हमने समझा दिया कि 25% दाम बढ़ गया है। जब दाम 25% बढ़ गया तो ऑब्वियसली है कि चीनी की जो मात्रा है या चावल की जो मात्रा है वो कम मिलेगा। तो देखिए 10 केजी चावल क्या हुआ, कम मिला है। तो 10 केजी चावल कम मिलने का वजह क्या है, 25% की वृद्धि। तो यही 25% की वजह है 10 केजी चावल कम मिलना, ठीक है। 25% का ही वजह है कि 10 केजी हमको चावल कम मिल रहा है, अर्थात 25% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 केजी। अगर हम इसको 100% पे लेके जाएं, किस पे, 100% पे, तो 4 से बोथ साइड में हम लोग क्या कर दें, मल्टीप्लाई। तो बोथ साइड में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 24 25 4 100 and 10 4 40। अर्थात अगर हम 100% देखें तो हमने बताया था परसेंटेज वाले चैप्टर में, हमने बताया था कि जब 100% कोई चीज 100% होता है तो हमको पूरा अमाउंट पता चलता है। तो ये 100% हो गया, अर्थात जब इस समय चावल की जो मात्रा है हमको कितने केजी मिल रहा है, 40 केजी। ये जो दोस्तों मेथड है इससे हमको नया भाव मिलता है, क्या नया भाव, पुराने भाव के लिए हम लोग जो कम या अधिक मिलता है चावल उसको हम माइनस कर देते हैं तो हमको पुराने भाव पे आता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम मतलब 25% वृद्धि होने के बाद जो चावल मिल रहा है हमको कितना मिल रहा है, 40 केजी, ठीक है, 40 केजी हमको चावल मिल रहा है। ये जो मेथड है हमसे ये नया मेथड मतलब नया भाव, सीधा सीधा नया भाव लेके आता है, ठीक है। तो देखिए इस समय 40 केजी हमको क्या मिल रहा है, चावल मिल रहा है। खर्च हम कितना कर रहे हैं, 400 रुपए में हमको 40 केजी चावल मिल रहा है प्रेजेंट टाइम में। जी दोस्तों, अगर हम न्यू रेट पर केजी हम निकालना चाहते हैं तो टोटल हम कितना खर्च कर रहे हैं, 400, और कितना चावल हमको मिल रहा है, 40। तो देखिए रिड्यूस कर देते हैं, 4 1 4 अर्थात 10, अर्थात 10 रुपए पर केजी हमको चावल इस समय मिलेगा। ये दोस्तों चावल के दाम 25% बढ़ने के बाद हमको 10
रुपए प्रति केजी के दर से चावल मिलेगा, जिसकी वजह से 10 केजी चावल हमको कम मिलता है। जी, मैदा 10% महंगा हो गया। मैदा 10% क्या हो गया? महंगा हो गया। 10% महंगा हो गया, जिससे 440 से 2 केजी कम मैदा मिलता है। अर्थात 440 रुपए में अब 2 केजी मैदा कम मिलने लगा। तो मैदा का पुराना भाव ज्ञात कीजिए। जी दोस्तों, अभी हमने पिछले जो क्वेश्चन में बताया था उससे नया भाव डायरेक्ट आया था, इसमें क्या पूछ रहा है? पुराना भाव। तो हम क्या करेंगे, पहले नया भाव के हिसाब से चलते हैं। आइए देखते हैं, 2 केजी कम मैदा मिलता है किसकी वजह से? 10% महंगा होने की वजह से। तो इसका जो वजह है 10% की वजह से हमको 2 केजी मैदा कम मिलता है। हमको चाहिए 100%। 10 से हम बोथ साइड में क्या कर दें, मल्टीप्लाई। 10 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 100 हो जाएगा, इधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। अर्थात प्रेजेंट टाइम में मैदा महंगा होने के बाद हमको 20 केजी मैदा मिलता है। अगर हम ओल्ड देखें, पुराना हमको इस समय 2 केजी मैदा कम मिल रहा है। अर्थात पुराने में जब भाव नहीं बढ़ा था तो हमको कितना मैदा मिल रहा होगा? देखिए, जो ओल्ड था, ओल्ड अमाउंट में अगर हम देखें, ओल्ड अमाउंट में जाएं तो 20 प्लस 2, अर्थात 2 केजी मैदा हमको कम मिल रहा है। तो हम जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 22 केजी हमको मैदा पहले मिल रहा था। अब वो पूछ रहा है पुराना भाव, तो हम देखते हैं ओल्ड रेट पर केजी के वजह से हम चलते हैं। तो टोटल अमाउंट 440 रुपए खर्च कर रहे हैं, पा कितना रहा था, 22 केजी। तो देख लीजिए, 22 टू जा, अर्थात उसका 20 रुपए पर केजी पुराना रेट है, 20 रुपए पर केजी पुराना रेट था। जी दोस्तों, किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई। जी दोस्तों, सामान की कीमत क्या हो रही है, 20% कम हो गई। अब ग्राहक को वह सामान 240 रुपए में 6 केजी अधिक मिलता है। जी दोस्तों, जब सामान की कीमत कम होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, सामान अधिक मिलेगा, यदि हम पैसा उतना ही खर्च करें तो। मतलब 240 रुपए पहले भी खर्च कर रहा था, अब भी 240 रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन सामान की कीमत कम होने की वजह से 240 रुपए में ही उसको 6 केजी अधिक मिलता है। क्या सामान? जी दोस्तों, चलिए सामान का नया भाव ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं, 20% की कीमत कम होने की वजह से उसको 6 केजी अधिक चावल मिलता है, सामान मिलता है। तो 20% इक्वल टू 6 हो जाएगा। और कोई भी सामान का अगर हमको पूरा टोटल अमाउंट निकालना है तो 100% पे जाएं, तो देखिए 100% पे जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 2 10 मतलब 100 हो जाएगा। यहाँ पे 5 6 कितना हो जाएगा, 30। अर्थात 30 केजी उसको सामान इस समय मिल रहा है। तो अगर हम देखें, 30 केजी सामान मिल रहा है, टोटल वो है अमाउंट 240 रुपए खर्च कर रहा है, तो पर केजी रेट फाइंड आउट करना है। तो देख लेते हैं, न्यू रेट पर केजी चलते हैं। तो टोटल अमाउंट अपॉन टोटल क्वांटिटी कितना हो जाएगा, 8 टाइम जाएगा। अर्थात 8 रुपए पर केजी सामान की कीमत इस समय है। अर्थात सामान की कीमत 20% कम होने के बाद जो कीमत है पर केजी का, वो कितना है, 8 रुपए पर केजी। जी, एक वस्तु 20% सस्ती होने पर क्या हो रहा है, सस्ती कितना परसेंट, 20%।
जी दोस्तों, तो कह रहा है 20% सस्ती होने पर रुपए 500 में 5 kg अधिक मिलती है, रुपए 500 में 5 kg अधिक मिलती है। ज्ञात कीजिए कि वह वस्तु पहले किस दर से मिलती थी, अर्थात इसका पुराना रेट पूछ रहा है। जी दोस्तों आइए देखते हैं, 20% सस्ती होने की वजह से 5 kg अधिक मिल रहा है, तो हम लोग देख लेते हैं 20% की वजह से 5 kg हमको अधिक मिल रहा है। हमको चाहिए 100%, 100% जाते हैं तो हमको टोटल अमाउंट प्राप्त होता है, तो आइए टोटल क्वांटिटी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आइए 100% पे चलते हैं, बोथ साइड हम लोग क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए आइए 25 जा कितना हो जाएगा 100 हो गया, और 5 5 जा 25, अर्थात 25 kg प्रेजेंट टाइम में, अर्थात नया भाव है, नए भाव के हिसाब से 500 रुपए में उसको कितना मिल रहा है 25 kg। लेकिन अब उसको 5 kg अधिक मिलता है, तो पुराने में उसको क्या होता था, ओल्ड क्वांटिटी अगर हम देखें, ओल्ड क्वांटिटी पे अगर हम जाएं, ओल्ड क्वांटिटी जो था 25 - 5 हो जाएगा, अर्थात 20 kg उसको ओल्ड क्वांटिटी में मिल रहा था, अर्थात पुराने में उसको 20 kg मिल रहा था, कितने में 500 रुपए में, तो ओल्ड क्वांटिटी हो गया हमारा। तो वो पूछ रहा है ओल्ड रेट, क्या ओल्ड रेट पर केजी, तो ओल्ड रेट पर केजी में अगर हम चलें तो अमाउंट कितना था हमारा 500 अपॉन क्वांटिटी कितना है 20 जी, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 2 5, अर्थात हमारा पुराना रेट क्या था 25 रुपए पर केजी की दर से वस्तु पहले मिलता था, लेकिन हमारा नए के हिसाब से देखें तो 25 kg मिल रहा है, लेकिन पुराने में उसको 20 kg मिल रहा था, अर्थात 20 kg मिल रहा था। अगर हम ओल्ड रेट निकालते हैं तो क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी कर देते हैं, अमाउंट अपॉन क्वांटिटी, अमाउंट हमारा कितना है 500 एंड क्वांटिटी हमारा कितना है 20 kg, तो डिवाइड करते हैं तो हमारा पर केजी रेट फाइंड आउट हो जाता है। जी दोस्तों तो इसका कितना है 25 रुपए पर केजी रेट है। आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रकार के इस कंसेप्ट के सारे क्वेश्चन आप अपने स्टडी मटेरियल से खोज के सॉल्व करिए। जी दोस्तों एक चीज और है, आप कंसेप्ट वाइज आगे बढ़ते रहिए बट रिवीजन करना ना भूलिए। रिवीजन अगर नहीं करेंगे तो जान लीजिए कि आप एक तरफ से पढ़ते जाएंगे अर्थात करते जाएंगे फिर पीछे से भूलते जाएंगे। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप रिवीजन भी ना छोड़ें, या तो आप स्टडी मटेरियल से रिवीजन करिए, या तो आप पिछले कंसेप्ट के 2-4 वीडियो डेली देखा करिए, ताकि आपका रिवीजन भी होता रहे, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर होता जाए। ये दोस्तों यदि आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो वीडियो को 2-3 बार देखिए, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और कंसेप्ट क्लियर होने के साथ साथ आप स्टडी मटेरियल को भी करिए, ताकि इस प्रकार के सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे, और जब आप इस प्रकार के सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, तो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने के चांसेस हो जाते हैं। जी दोस्तों चीनी का भाव 25% घट गया, चीनी का भाव 25% घट गया, यदि भाव घटेगा तो मात्रा हमको अधिक मिलेगी, ध्यान दीजिएगा। चलिए 480 रुपए में 10 kg चीनी अधिक मिला, हमने बताया था कि यदि भाव घट रहा है तो हमको क्वांटिटी अधिक मिलेगा। ठीक है, तो चीनी का नया और पुराना भाव ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं 25% चीनी का भाव घटने की वजह से हमको 10 kg चीनी अधिक मिल रहा है, तो हम लेते हैं 25% की वजह से हमको 10 kg अधिक मिल गया, हमको चाहिए 100%, 100% के लिए बोथ साइड हम 4 से क्या कर दें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 25 4 हो जाएगा 100%, और यहां से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 4 40, अर्थात हमको इस समय 40 kg हमको चीनी मिल रहा है। अब क्वांटिटी हमारा हो गया 40 kg, अमाउंट हमारा 480 है। अगर हम देखें न्यू रेट,
न्यू रेट पे चलें, न्यू रेट पर केजी, न्यू रेट पर केजी चलें, तो हमारा अमाउंट अमाउंट कितना है 480 अपान क्वांटिटी, क्वांटिटी हमारा कितना है 440 सॉरी, तो ये हो जाएगा इससे कैंसिल, 41 जा और 42 जा, अर्थात अर्थात 12 रुपए पर केजी हमारा क्या आ गया, 12 रुपए पर केजी हमारा न्यू चीनी का नया भाव आ गया। ओल्ड में चलें तो ओल्ड क्वांटिटी अगर हम देखें, ओल्ड क्वांटिटी में देखिए 10 किलो चीनी हमको अधिक मिल रहा है, अर्थात 10 किलो चीनी हमको पहले कम मिल रहा था, अर्थात हमारा क्वांटिटी कितना था 30 केजी, कितना था 30 केजी। अब अगर हम देखें ओल्ड रेट पर केजी चलेंगे तो अमाउंट हमारा कितना हो गया 480 अपान क्वांटिटी, पुराना क्वांटिटी हमको कितना था 30 केजी, तो 30 से क्या कर देते हैं हम लोग डिवाइड, 0 0 कैंसिल, 31 जा 36 जा, अर्थात 16 रुपए पर केजी हमारा क्या था ओल्ड रेट जी। आमों के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने के कारण, अब देखिए मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है, ऑब्वियसली सामान हमको कम मिलेगा, क्या ऑब्वियसली सामान हमको क्या मिलेगा कम मिलेगा, क्यों, क्योंकि मूल्य में वृद्धि हो रही है, तो 20% वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति 40 रुपए में, कितने रुपए में 40 रुपए में 4 आम कम खरीद पाता है, अर्थात व्यक्ति पहले 40 रुपए में जितना आम खरीदता था, अब 20% मूल्य में वृद्धि होने की वजह से अब 40 ही रुपए में वह 4 आम कम पाता है जी। दोस्तों आइए देखते हैं, वह कह रहा है तो वृद्धि से पूर्व, वृद्धि से पहले अर्थात जब आमों के मूल्य में वृद्धि नहीं हुआ था उसके पहले 15 आमों का मूल्य क्या होगा वो ज्ञात करना है। चलिए आइए देखते हैं, 20% की वृद्धि होने की वजह से हमको 4 आम कम मिल रहा है, हम चलते हैं 100 पे, 5 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 25 जा 100, 100 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 5 जा 20, अर्थात अब हमको 20 आम मिल रहे हैं, कितने आम 20 आम मिल रहे हैं, कह रहा है 20 आम मिल रहे हैं, 4 आम कम मिल रहे हैं, तो ओल्ड अगर हम क्वांटिटी देखें, ओल्ड नंबर या ओल्ड क्वांटिटी पे हम चलें, तो 20 4 आम इसमें कम मिल रहा है, तो 20 प्लस 4 अर्थात हमको 24 आम मिल रहे थे, ठीक है, जब वृद्धि नहीं हुआ था तो हमको 24 आम मिल रहे थे, और 24 आम कितने रुपए में मिल रहा था 40 रुपए में, तो देख लेते हैं 24 आम हमको कितने रुपए में मिल रहा था 40 रुपए में, अगर हम एक आम उस समय निकालें एक आम का दाम, तो 40/24 हो जाएगा, पूछ रहा है 15 आमों का मूल्य ज्ञात कीजिए, पुराने रेट से कह रहा है तो 15 आमों का मूल्य हमको ज्ञात करना है, तो 40/24 × 15 ठीक है, तो 2 6 जा, ठीक है 2 6 जा हो गया, अर्थात 2 3 जा और 2 5 जा यहां से हो जाएगा और 3 5 जा यहां से, अर्थात कितना आ गया 5 5 जा 25, तो 25 रुपए 15 आम का दाम क्या है 25 रुपए पुराने मूल्य के हिसाब से जी। दोस्तों 15 आमों का मूल्य कितना रुपए है 25 रुपए जी। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि यदि आपको यह कंसेप्ट समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार अवश्य देखिएगा, और रिवीजन तो आप कतई ना छोड़िएगा, आप थोड़ा सा कंसेप्ट आगे देखते रहिए लेकिन रिवीजन पीछे का करते रहिए, अर्थात यदि आप रॉ मटेरियल से अर्थात स्टडी मटेरियल से आप अपना रिवीजन करते हैं तो अच्छी बात है, और यदि आप स्टडी मटेरियल से करिए और यदि आपको कंसेप्ट वाइज करना है तो आपको क्या करिएगा, आप हमारे
पुराने वीडियो अर्थात पुराने कॉन्सेप्ट के वीडियो को रिवाइज करके देखते रहिए। कम से कम आप मिनिमम 3 से 4 वीडियो पिछले कॉन्सेप्ट के आधार पर देखिएगा जरूर, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, रिवाइज होता रहे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत ना हो। जी दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। लाइक तो वीडियो के पहले ही कर दिया करिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। बेल आइकन पर हिट करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। आपको मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।